गाइस कैसे हैं सर आप लोग। आई एम किशन झा, यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल के झा टिप्स एंड ट्रिक। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंजल ब्रोकिंग टास्क आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। इनके एंजल ब्रोकिंग्स में आपको अपना डीमेट अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए कि आपको एंजल ब्रोकिंग डीमेट अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिए और करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे आप एंजल ब्रोकिंग डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको नीचे में एक फॉर्म आएगा। इस तरीके से फॉर्म में आपको यहाँ पे अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर यानी कि अपना सिटी, ओटीपी और यहाँ पे जो है आपको आई एग्री वाले पे क्लिक रहेगा, ओपन डीमेट अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ये आपको प्रोसेसिंग करके नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर और जीमेल आईडी डालना, जो कि मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना पैन का डेट ऑफ बर्थ यानी कि पैन नंबर और जीमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, ओके। तो मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ हमने सब कुछ डाल दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर और जीमेल आईडी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम इससे आगे का प्रोसेस करेंगे, ओके। आपको इंटर इंटर क्लिक करते जाना है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ आपके मोबाइल में इंटर कहाँ पे होगा। जहाँ पे मेरा नीचे में टास्क बार वहाँ पे इंटर होगा आपका, ठीक है। तो इंटर इंटर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड डालना है, ठीक है। तो हम अपना बैंक अकाउंट डालते हैं, ठीक है। जो मेरा बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट हम डालते हैं यहाँ पे। अपना बैंक अकाउंट और जो है आईएफएससी कोड डाल दिया। नीचे में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे में आप जो आ गया यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक ले लेगा। फादर्स नेम में जो है फादर्स फर्स्ट नेम झा है, फादर्स लास्ट नेम भी झा डालेंगे, जो मेरा है वो झा डाल के जो है प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड करेंगे आगे ये जाएगा, ठीक है। आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पे बोल रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है। तो आपको पैन कार्ड अपना रहेगा वो डालना है और बैंक स्टेटमेंट जो लेटेस्ट 6 मंथ का रहेगा उसका आपको डालना है। जेपीजी यानी कि जो भी है आप डाल सकते हैं, 5 MB तक ऐसा जो होना चाहिए। जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ जो भी हो आप बैंक स्टेटमेंट यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अपना पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट डालते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, ओके। हमने अपना यहाँ पैन अपलोड किया है, प्रोसेसिंग प्लीज वेट लिख रहा है, वो चेक कर रहा है, ठीक है। मैंने जेपीजी डाला है, ठीक है। तो वो ले रहा है, अगर बड़ा साइज होगा तो मुझे छोटा करना होगा, अगर ये परफेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे ले चुका है और यहाँ से आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं अपना पैन कार्ड। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में अपलोड वाला सेक्शन पे क्लिक करके हम बैंक स्टेटमेंट जो है यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पहले जो है क्लाइंट सिग्नेचर डालेंगे, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। कागज़ फ्रेस जो है सादा कागज़ पर आप सिग्नेचर जो है यहाँ पे अपना कर लेना और यहाँ पे अपलोड कर देना और नीचे में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट। तो चलिए सिग्नेचर अपलोड करते हैं, ओके। अपलोड वाला सेक्शन पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे अपनी गैलरी में जाकर। यह मैंने अपलोड कर दिया है, नीचे में प्रोसीड है, प्रोसीड पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट गाइस, मैंने रिफ्रेश कर दिया। यहाँ मैं अपना पैन कार्ड, सिग्नेचर और बैंक स्टेटमेंट सब मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। नीचे में प्रोसीड है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब बोल रहा है कि वेट करने के लिए जो है सब कुछ जो है यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे सब कुछ अपना वो चेकिंग कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि आधार नंबर डाल के ओटीपी डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई एग्री कर लेना है ऊपर में, ठीक है। एग्री करके यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और सेंड ओटीपी करके अपना ओटीपी डाल देना है। याद रखिए कि आधार नंबर डालें, ठीक है। अपना आधार नंबर ही यहाँ पे डालें, जो भी आपका आधार का नंबर है ना वो नंबर डालेंगे। आधार नंबर डाल के ओटीपी अपना यहाँ पे दे देंगे, ओके। यहाँ मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया है, अब सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक ओटीपी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो मुझे मेरा नंबर आधार से लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। याद रखिए आपके आधार से आपके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर ओटीपी आता रहे तभी ये एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन हो पाएगा। तो उस पर मेरा ओटीपी आएगा अभी, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं कब तक ओटीपी आता है, ओटीपी हम डाल देंगे। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी पर ओटीपी आएगा, ओके। मैंने ओटीपी डाल दिया है और नीचे में यहाँ पर देखिए लिखा है वेरीफाई ओटीपी। आपको वेरीफाई ओटीपी भी क्लिक करना है, कैंसिल भी कर सकते हैं या ओटीपी नहीं आया तो रिसेंट ओटीपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हो चुका है क्लिक, ठीक है। इसे कट कर देंगे, ये क्लिक हो चुका है, ये लोडिंग ले रहा है, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद ये वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। सक्सेस ओटीपी वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने देंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बैक नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं कि नेक्स्ट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट का प्रोसेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे अलॉट कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे बता जा रहा है कि स्टार्ट योर ऑनलाइन इन पर्सनल वेरिफिकेशन IBPN प्रोसेस बाय अपलोडिंग 10 सेकंड का वीडियो, 10 सेकंड का वीडियो बोल रहा है, ठीक है। तो ओपन सेटिंग से ओपन कर देंगे, अलाउड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलाउड मांगेगा तो हम अपने डिवाइस से यानी कि अलाउड कर देंगे, ठीक है। जो भी अलाउड मांगता है अलाउड कर देंगे, कुछ अलाउड मांग रहा होगा, ठीक है। जो भी अलाउड कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं तो इसे बैक कर देंगे या फिर इसे एक मिनट यार, कैमरा मांगा अलाउ कर दिए हमने, यहाँ सभी को अलाउ कर दिया, बैक करेंगे, ठीक है, अलाउ कर देंगे। अब ट्राई मांग रहा है, एक मिनट गाइस, 10 सेकंड तक कैमरा को ऑन रखना है, अलाउड कर देंगे। उसके बाद नीचे में स्टार्टर का स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कंग्रेचुलेशन किशन कुमार जा, योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेंगे, या तो आप मुझे सेंड कर देंगे या फिर